मैं जानता हूँ आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और आप अपने सपनों के पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। ये हसल, ये भागती हुई दुनिया आपको अलग सुख देती है, पर मैं आज चाहूंगा आपको मैं अपनी दुनिया में लेके जाऊं। मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। मेरी दुनिया आपकी तरह तेज नहीं है, यहाँ पर ठहराव है, यहाँ पर शांति है। हमारे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो नहीं है, पर जहां तक आप देखेंगे सिर्फ हरियाली और खेत दिखाई देंगे। हमारे पास एसी की ठंडक तो नहीं है, पर कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के किताब पढ़िएगा, उसका आनंद ही अलग है। आप जला रहे हो हमें, बहुत जला रहे हो। थिन क्रस्ट पिज्जा की जगह चूल्हे से उतरी हुई रोटी के ऊपर मक्खन रख के हम खाना पसंद करते हैं। सफेद मक्खन। एनर्जी ड्रिंक की जगह छाछ पीने में हमें ज्यादा मजा आता है। आप और हम एक ही देश से हैं। आप इंडिया हैं, मैं भारत हूँ। आज मैं अपने भारत को इंडिया से यहाँ मिलाने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ कुमार रावत है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दयानतपुर से हूँ और बरोसी का फाउंडर हूँ। बरोसी एक ऑथेंटिक फूड ब्रांड है। बरोसी के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल हैं, ना वो मिलावटी हैं, ना वो दिखावटी हैं। हमारे प्रोडक्ट हैं दूध, घी, मक्खन, ऑयल, पिकल, फिल्टर कॉफी इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आप हमारी खुद की वेबसाइट barossi.in से खरीद सकते हैं और ये प्रमुख मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। मेरा एक सपना है, मैं बरोसी को इंडिया की हर किचन का हिस्सा बनाऊं। मैं बरोसी को एक बहुत प्यारा लोकल होम ग्रोन ब्रांड बनाऊं। तो थोड़ा बताइए आपकी कंपनी के नाम का मतलब क्या है और आप जो उत्तर प्रदेश में जहाँ से हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। विनीता, मेरा पूरा जो बचपन है ना वो भारत में गुजरा है और ब्रांड का जो नाम है वो वहीं से है। बचपन में जब हम अपने गाँव में थे वहां पे लाइट होती नहीं थी, दूध को ठीक रखने के लिए बरोसी का यूज होता था। मैं बरोसी आपको बताता हूँ होता क्या है। उस टाइम पे फ्रिज नहीं होता था, जमीन पे एक गड्ढा खोद लिया जाता था, उसके अंदर उपले और लकड़ी जला के मिट्टी का बर्तन रख के उसमें दूध रख दिया जाता था। स्कूल हमारा 6 किलोमीटर दूर था, 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना हम पैदल ही करते थे। उसकी स्टोरी बाद में बताएंगे आपको। तो जब शाम को हम पहुंचते थे तो उस दूध में अमेजिंग एक अरोमा और इतनी मोटी मलाई, तो हमारी माताजी जो हैं उसमें से एक एक गिलास हम दोनों भाइयों को पिला देती थी। अब जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दूध से स्टार्टिंग हुआ हमारा, वो बरोसी हमें याद आया तो बरोसी है। वाह क्या बात है भाई। ये लोगो किसने डिजाइन किया और कैसे, मतलब आपने खुद ने किया? आई एम वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कम देखने को मिलता है इतनी बारीकी। अनुपम, ये बारीकी, मैं भले भारत से हूँ पर मैं अपने ब्रांड से बहुत प्यार करता हूँ। अच्छा। और एक छोटी सी छोटी चीज मैं परख के ही आगे जाने देता हूँ। वो तो समझ गए। इसमें जो डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो बी जो भारत का डॉट है और आई का जो डॉट है वो इंडिया का डॉट है। तो बरोसी ये दोनों ही दुनिया को आपस में जोड़ता है। भारत और इंडिया, भारत और इंडिया, भारत और इंडिया। मुझे लग रहा था ऐसी कोई कहानी है। बहुत अच्छा। तो दुर्लभ, स्कूल आपने वहीं किया दयानतपुर में जी, और उसके बाद और क्या पढ़ाई करी और कुछ करते थे बरोसी से पहले? हमारे गांव में जो स्कूल था वो सिर्फ 10th क्लास तक का था। 12वीं करने के लिए हमें 6 किलोमीटर दूर जाना था। माताजी ने बोला अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो साइकिल मिलेगी। अच्छे मार्क्स आ गए, साइकिल भी मिल गई, पर जिस दिन साइकिल मिली उसी दिन वो पहले दिन ही एक्सीडेंट हो गई। दूसरी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे तो स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल पैदल खेतों के बीच में से होके जाना पड़ता था। गांव में रहते हुए हमारा एक ही एक टारगेट था कि किसी भी तरह से गांव से बाहर जाना है। तो मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दिल्ली से किया है, उसके बाद मैं वहाँ पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ
आयशर मोटर्स लिमिटेड में जहाँ पे मैंने 2 साल काम किया, मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में 10 साल काम किया। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे लगा कि अब मुझे अपना खुद का कुछ करना है। बारह साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को बिजनेस जो है वो भारत में बनाना है, क्योंकि यही तो मेरे को आता है। मैं किसान का बेटा हूँ, खेती को मैंने पास से देखा है, दूध हमारे बैकयार्ड में गाय और भैंस के हमें मिलता ही था एकदम फ्रेश। तो ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपना जो बिजनेस है वो भारत में स्टार्ट किया। भारत और इंडिया दोनों को जोड़ते हुए हमने भरोसी की शुरुआत की। ये 2016 की बात? जी हाँ, 2016 की बात। अगले 2016 से 22 आपको अगले एक मिनट में खत्म करने हैं। सही है सर। हाँ। तो 2016 से लेके और 2022 तक के बीच में हमने पिछले 4 साल में 1,28,00,000, 2,23,00,000, 4,06,00,000, 4,70,00,000 का रेवेन्यू किया है। ठीक है। ये पूरी ना सबकी बोलती बंद कर दी। और ये B2B बिजनेस में किया आपने? ये नहीं, ये हमने B2C में किया। अच्छा।